अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं आज मैं बनाऊँगी कीमा आलू। तो कीमा आलू तो सभी घर में बनता है, लेकिन मैं किस तरह से बनाती हूँ वही मैं शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने 2 टेबल स्पून भर के ऑयल गर्म कर लिया है, उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला है। ज़ीरा को अच्छे से फ्राई होने के बाद यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ का प्याज को ना फाइनली चॉप कर लिया था, उसे इसमें डालेंगे। और इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना, हमें बस इतना फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए। तो उसके बाद जब प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो मैं यहाँ इसमें 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। इसे भी अच्छे से हमें भून लेना है ताकि इसका जो भी रॉ स्मेल हो वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ मैं जो है ना चिकन का बना रही हूँ। तो चिकन का जो हम बनाएंगे तो उसमें बहुत ही ज़्यादा उसको नहीं चलाएंगे, नहीं तो ये बहुत जो महीन हो जाता है तो फिर वो कीमा अच्छा नहीं लगता। तो इसके बाद जब हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट भुना जाए तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून भर के डाला है लाल मिर्च पाउडर, 2 टीस्पून भर के डाला है। 2 टेबल स्पून जाएगा इसमें धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जाएगा हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जाएगा ज़ीरा पाउडर। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 2 टोमेटो का प्यूरी बना लूँगी और वो इसमें ऐड कर दूँगी। तो यहाँ इसमें हमें टमाटर काट के नहीं डालना है, प्यूरी ही डालना है। अच्छे से उसे मिक्स कर देंगे और टमाटो डालने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो नमक डाल के भी हम अच्छे से इसे 2 मिनट तक भून लेंगे। अब मैं इसमें है ना 2 मीडियम साइज़ का आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और ये 1/2 कप है मटर, तो आप जितना चाहें इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ मैंने 300 ग्राम के लगभग ये है ना चिकन का कीमा है, उसे मैंने ऐड कर दिया। अब जो है हमें अच्छे से इसकी खूब भुनाई करनी है। तो कीमा को हमें अच्छे से भुनना होता है टाइम दे के इत्मीनान से, तभी इसका टेस्ट आता है। तो यहाँ जब अच्छे से टमाटर और मसाले के साथ भूनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी 2 बड़ी चम्मच दही, और दही के साथ भी इसे हमें खूब भूनना है, अच्छे तरीके से भूनना है जब तक कि दही का सारा पानी जो है वो सूख जाए। उसके बाद आपको इसमें जितना पानी रखना है रख देंगे। उसके बाद हरी मिर्च इसमें डाल देंगे और लास्ट में स्मोक लगा देंगे। स्मोक लगाने से है ना इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़ जाता है। तो मैंने यहाँ कोयला लिया, थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला है और ढक देंगे। हाँ, हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं चावल की फिरनी बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने 1 घंटा पहले ही 1/2 कप चावल को भिगो दिया था। अब मैं इसको अच्छे से दरदरा टाइप का, बहुत ही ज़्यादा इसको महीन नहीं करना, दरदरा टाइप का बिल्कुल इस तरह से पीस लूँगी। 10 से 12 मैंने काजू का भी पेस्ट बना के रख लिया है। तो इस तरह से पहले दूध को हम थोड़ा सा बॉयल कर लेंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर हो तो वो डाल दीजिएगा। मैंने 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर डाला, नहीं तो आप मिल्क मेड भी डाल सकते हैं। और अगर आपका दूध गाढ़ा है तो ये स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ मैंने जो चावल का पाउडर बनाया था ना पेस्ट, वो इसमें ऐड कर देंगे और उसके साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बहुत जल्दी बन जाने वाली फिरनी है। जब चावल हमारा 1/2 पक जाए तब मैंने जो काजू का पेस्ट बनाया था वो भी ऐड कर देंगे। तो इस तरह से ये बहुत ही गाढ़ी और कोई भी दावत स्पेशल ये फिरनी है, कोई भी आपके घर गेस्ट आ रहा हो तो ये इस तरह से बना के दीजिएगा, सबको बहुत ही पसंद आएगा। तो चावल तो हमारा पीसा ही हुआ हुआ, ये तो बिल्कुल ये पकने में टाइम नहीं लेता है। 5 मिनट बाद हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे 1 कप के लगभग, और जितनी भी आप मीठा खाते हो उतना आप चीनी डाल दीजिएगा। तो यहाँ मैंने चीनी मिक्स कर दिया। तो फिर चीनी डालने के बाद ये थोड़ा और पतला हो जाता है, तो इस थोड़ी देर और इसे पकाएंगे और इस तरह से किनारे से हम इसे छोड़ाते जाएंगे ताकि ये और भी गाढ़ा हो जाए। 2 बूंद भर के बस हम डाल देंगे इसमें केवड़ा वाट। और यहाँ मैंने 1 ब्रेड्स को अच्छे तरह से उसको क्रम्स बना के, ब्रेड क्रम्स बना के इसमें ऐड कर दिया था, क्योंकि बिल्कुल ये खोआ की तरह लगेगा और बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा। ये आप ज़रूर डालिएगा, इससे जो है ना आपकी खीर बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो ये हमारे बच्चे लोग आए हुए हैं, छुट्टियाँ चल रही हैं ठंडा की, तो यहाँ पे खेल हो रहा था, एक सीक्रेट सांता का प्रोग्राम हो रहा था, बच्चे लोग ने ऑर्गेनाइज़ किया था। काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, और जब फैमिली के साथ टाइम बिताता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे सीक्रेट सांता में सब सीक्रेटली एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे थे, तो इसी बहुत ही मज़ा आया। तो विंटर वैकेशन चल रहा है, तो सब बच्चे लोग आए हुए हैं, तो डेली अब इस तरह से कुछ ना कुछ प्रोग्राम होगा, नहीं तो फिर कहीं बाहर जाने के प्रोग्राम होगा। और इस तरह से कब छुट्टी बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। और इसी तरह बच्चे लोग वेट भी करते रहते हैं कि ठंडा छुट्टी गर्मी छुट्टी का। तो इसके बाद हम लोग जो है आ गए थे यहाँ, बच्चे लोग बोला था कि डोमिनोज जाना है, तो बस वहीं हम लोग आ गए थे टावर पर अपने, जिधर हम लोग का जो मार्केट है। तो हम लोग अब आ गए हैं डोमिनोज में। अब आज का पिज़्ज़ा जो है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था।
तो वहाँ से निकलने के बाद यहाँ रहब को शूज़ लेना था, तो वही हम यहाँ शूज़ के शॉप पे आ गए थे। तो यहाँ से रहब ने एक स्नीकर्स लिया और आयान का स्लीपर। तो ये आज था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, ब्लॉग आज छोटा ही था। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।